करीब 38 करोड़ रुपए का कोकीन पकड़ा है। ये जो कोकीन है, इस कोकीन का यूज इंडिया के बाहर साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में भेजने के लिए किया जा रहा था। इस सिलसिले में जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग ड्रग्स के खिलाफ में पुलिस काफ़ी काम कर रही है। इसी सिलसिले में ये जो ड्रग्स पकड़ा है, उस ड्रग्स को पकड़ने के साथ साथ चार लोग भी पकड़े हैं, जिसमें से तीन नाइजीरियन हैं और एक ब्राज़ील की लड़की है। इनके नाम हैं जो लड़के हैं उनका नीरस फुखोगो 35 वर्ष, माइकल होप 29 वर्ष, साइमन अगोबता 32 वर्ष और जो ब्राज़ील की लेडी है वह श्रीमती कार्ले पिंटो आयरिस 41 ईयर। इन चारों में से दो का रिपोर्ट अभी तक मालूम चल पाया है। एक नीरस ओखोबो ऑलरेडी थाना के केस में अरेस्ट हो चुका है और ये जो लेडी है श्रीमती कार्ले पिंटो आयरिस जो ब्राज़ील की हैं, ये अभी 3 महीने पहले ही भाईकला जेल से 3 वर्ष की सजा काट के बाहर आई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। उस मॉडस ऑपरेंडी में एक ऐसा तरीका इन्होंने अपनाया है ड्रग्स भेजने का कि ये इंडिया से पर्दे के रूप में माल को बाहर भेजते हैं। पर्दे बोले तो जो आप घर में लगाते हैं कर्टन, और वो पर्दे जब भेज जाते हैं तो पर्दे के जो पाइप्स रहते हैं, पर्दे के जो लगाने के लिए बीच में जो छल्ले रहते हैं, उनके अंदर ये लोग ड्रग्स भर के भेजते हैं ताकि किसी को कुछ खबर न लग पाए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक बार मैं दिखाऊं कि किस तरीके से करते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। जैसे कि ये इस तरह के काफ़ी पर्दे इन्होंने यहाँ से भेजे हैं और ये भेजने का इनका काम है। तो इस पर्दे में ये जो जगह है, ये छल्ला इसको बोलेंगे आप, इसको बेसिकली पीछे से बांधा जाता है और इसको बांधने के बाद ये खुल के ऐसे आता है इस तरीके से। इसके बीच में मोबाइल ये जो चीज़ें हैं, इनसे एक पाइप टाइप बनाया जाता है, जो कि पाइप टाइप का बनाने के बाद उसमें पूरा का पूरा कोकीन भरा जाता है। आपको पता है कोकीन की छोटी सी मात्रा बहुत बड़ी मात्रा मानी जाती है। फिर ये जो मशीन है, इस मशीन से इसको पूरा सील किया जाता है, पैक किया जाता है। ये जो मशीन सामने देख रही है, और उसके बाद ये कभी भी किसी को नहीं मालूम चलता कि इस पर्दा है या इसमें बीच में कोकीन। इसी के तरीके से पर्दे को रंगने के लिए, सजाने के लिए पट्टियां हैं। इन पट्टियों के अंदर इस तरह के खाली डिब्बे हैं जिनके अंदर कोकीन भरा जाता है। किसी को समझ में नहीं आता कि कोकीन है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोकीन है और ऊपर ही पर्दे के वो बांधने वाले इसको क्या वो धागा बोल सकते हैं वो मिलता है। इस पूरे सिस्टम में ये जो मशीन है बड़े काम की है, क्योंकि इससे पूरा प्रेस कर दिया जाता है, इससे पूरा पैक हो जाता है और इसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो मटेरियल ये है, जिस एकदम पतला मटेरियल है इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर वो पैक हो जाएगा और उस तरह से ये किया जाता है। हम लोगों को इस पूरी मुहिम में जो कोकी मिला है 6 किलो 449 ग्राम, जो कुल मिला के 38 कोटी 95 लाख का होता है, यानी कि 39 करोड़ के आसपास का इसकी कीमत है। जिन लोग अरेस्ट हुए हैं, अरेस्ट लोगों को कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट ने उनको 7 दिन का पुलिस कस्टडी दिया है। अभी वो हमारे पास हैं, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जो आप लोग मुझे बाद में पूछें, मैं पहले बता देता हूँ। इसमें असली चीज़ जो है वो ये कि इन लोगों के पास पकड़ने के बाद जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है उसको देखने के बाद जब मालूम चला कि कुरियर कंपनियों के माध्यम से ये जाता है,
तो उसमें ये भी मालूम चला कि एक हर बार जा भी चुका है। तो उन कुरियर कंपनियों के साथ हमारा चल रहा है पूछताछ कि किस तरीके से ये माल जाता है, और वो माल जाते समय उन लोगों को पता भी रहता है कि नहीं रहता। उसी के अंतर्गत अंगोली पुलिस स्टेशन ने मैं एक गुना दाखिल किया है NDPS का, जिस गुना में हमने करीब करीब 6.5 किलो के आसपास कोकीन बरामद किया है, जिस कोकीन की कीमत करीब करीब 38 करोड़ रुपए है। इसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इन 4 में से 3 नाइजीरिया के हैं और 1 ब्राज़ील की महिला है। इन 4ों के नाम हैं नीरस ओखोबो, माइकल हो, साइमन अगोबता और श्रीमती कार्ले पिंटो आयरिस। इनमें से जो आयरिस जो महिला है वो अभी जेल से छूट के आई है, 3 साल की जेल हुई थी इसी NDPS के केस में। इन लोगों की मॉडस ऑपरेंडी बहुत अलग है। ये लोग पर्दों के अंदर के जो छल्ले होते हैं उनके अंदर ये अपना ड्रग्स भरते थे, और मशीनों के माध्यम से बहुत कुशल तरीके से उसको दबा करके ये कुरियर के माध्यम से इंडिया के बाहर भेजते थे। ये जो ड्रग्स है वो बेसिकली साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जाने वाला था, और इससे पहले हम लोगों ने इसको लोगों को पकड़ा है और अरेस्ट किया है और उनकी मॉडस ऑपरेंडी का पर्दाफाश किया है। कस घेऊ मग आता मला तर करायचं नाही। अरे दादा अरे भाई सब कारक अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो सर लेडीज का क्या रोल था, बाकी लोगों का क्या रोल था, ये बड़े पैमाने पर ये कुकिंग लाते कहां से थे? ये सब एक ही टीम के पार्ट है, अलग अलग काम नहीं है सबका। कोई उस कोरियर कंपनी तक ले जाता है माल को, कोई कहीं से लाता है, बट अभी स्टिल अभी हम लोग जल्दबाजी होगी ये बोलना कि कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से लाते हैं, उसकी तपास हम करवाए। सर 3-4 ही लोगों की थी और है? अभी 4 लोग हैं, अभी हम एक आदमी को। क्या शहर में भी इसको बेचते थे या सिर्फ? अभी तक इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके हिसाब से बाहर बेचते थे। अभी का ये जो कंसाइनमेंट था वो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जाने वाला। पैसे की लेन देन की प्रक्रिया सर, सप्लाई मालूम पड़ा है कहाँ से मिला था ये ड्रग, वो हम जांच कर रहे हैं। सर किन किन देशों में भेजते थे ये, क्या है सिर्फ विदेश में, कौन कौन से देश है जहाँ से भेजते थे? अभी तक हमको साउथ अफ्रीका का ये पता है, बाकी अभी आगे धीरे धीरे मालूम चलेगा। सर कुछ उन्होंने बताया कि लेन देन की प्रक्रिया कैसे पूरी करते हैं, जैसे माल तो भेज दिए तो कैश कैसे आता? वो उनका एक मॉडस ऑपरेंडी है जो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से पैसा आता है क्या आता है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसको भी हम ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर अरेस्ट कहाँ से किया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर आप लोगों ने ये पर्दे और दूसरे सामान बरामद किया है, वो पुलिस को बेसिकली कैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, और आप लोगों ने क्या एक ही जगह से चारों लोगों को अरेस्ट किया है? कोई फैक्ट्री थी, कारखाना था, फ्लैट था? ये मौर्या लैंडमार्क है, मौर्या स्टेट रोड पर अंधेरी पश्चिम, वहाँ पर हमने इसको अरेस्ट किया है लोगों को, और सामान पूरा का पूरा जब्त किया, सारा का सारा हाउस सर्च। सर ये जो 4 आरोपी हैं, फिर 4 फॉरनर हैं, जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है और जेल काट के आता है तो उसको डिपोर्ट कर लिया जाता है, तो कि इस मामले में 4 लोगों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्शन हुआ है डिपोर्टेशन? वो हम देख रहे हैं कि पासपोर्ट इनके पास हैवी या नहीं, हमको उनके घर से कुछ पासपोर्ट मिले हैं, वी आर वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग कि वास्तव में पासपोर्ट इनके यहाँ किसी और के हैं, और डिपोर्ट ये इनके पास पासपोर्ट नहीं तो हमको डिपोर्ट क्यों नहीं किया, अगर हम कर सकते हैं। सर ये जो रॉ मटेरियल है ये सिर्फ ये मुंबई और इंडिया को ही क्यों छूटते थे साउथ अफ्रीका या बाहर विदेश भेजने के लिए, क्या यहाँ पर भी यूज होता था या फिर सिर्फ मेन पॉइंट मुंबई क्यों चूज किया? नहीं मुझे नहीं लगता विवेक कि इसका यूज यहाँ नहीं होता होगा, यहाँ जरूर होता होगा, पर अभी हमको जो माल मिला है वो साउथ अफ्रीका के लिए जा रहा है। ये फॉरेन स्टेट में ही सर्च हुआ या कहीं और दूसरी जगह से सर्च में मिला है सारी सामान? घर से, घर मतलब मौर्या स्टेट, मौर्या स्टेट नहीं, वो माल जो मिला है वो कुपरखेड जो सर्च वगैरह कुछ चीजें। सर कब का अरेस्ट है, डेट कब का है? 16 कल रात 21 ये तुम्हारा कल रात वो है 10 तारीख सर। एक मिनट 14
एकत्र या साहेब, साहेब एकत्र या, लेडीजला पुढे घ्या बाजूला, तिला पुढे घ्या तिथे चला चला ठीक आहे ठीक आहे येऊ द्या आता येऊ द्या पुढे आपण.